अरिहंता प्रभु का प्यारा नाम है। गुरुजी बोलो शिष्य, आज हम कहां जा रहे हैं? आज मेरे मन में इच्छा है कि मैं नगर भ्रमण के लिए निकलूं, अर्थात हम जो प्रवचन अपने पंडालों में दे रहे हैं उसका इस संसार की आत्माओं पर कुछ विचार, कुछ प्रकाश डल रहा है या नहीं। मतलब मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारे प्रवचनों के माध्यम से सुनने वाले लोग क्या पंडालों में बैठकर ही सर हिलाते हैं या हमारे प्रवचनों को बाहर भी सोचते समझते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बताता हूं, पंडालों में बैठकर प्रवचन देना सब सुनकर चले जाते हैं, लेकिन यही प्रवचन जब हम घर घर में जाकर देंगे, सड़कों पर जाकर देंगे, तो कोई ना कोई व्यक्ति जरूर ऐसा निकलेगा जिसके हृदय की आग हमें सुनने को मिलेगी। मैं समझ गया। क्या आज आप किसी से सुनने के कुछ मूड में घूम रहे हो? हाँ यही, क्योंकि पंडाल से बाहर अगर किसी से बात करें तो वो अपने असली चरित्र में होता है। ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। तो गाओ, तो सुनाओ। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है जग में नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। आप गा तो बड़ा अच्छा रहे हैं कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, लेकिन ये बातें पंडाल में ही अच्छी लगती हैं, बाहर सुनाओगे तो कोई ना कोई आपको उल्टा सीधा कहता रहेगा। देते हैं स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भवा, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। हाँ हाँ कहो। आपने अपने परिवार, आपने अपने माता पिता को छोड़कर यह सन्यासी जीवन चुना है, लेकिन आप दुनिया को यह क्यों कहते हैं कि इस संसार के सभी रिश्ते नाते झूठे होते हैं? ये दुनिया को क्यों समझा रहे हैं कि बेबी छोड़कर तुम्हारी तरह या तो साधु बन जाएं या ध्यान ध्यान में बैठकर अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लें? तुम्हारा कहने का क्या अर्थ है? मैं ये कहना चाहता हूं
कि तुम दुनिया से ये कहते हो कि पैसे का दान करो, पैसे की मोहमाया छोड़ो और तुम अपने मंदिर देखो। 100-100, 200-200 करोड़ रुपए के तुम्हारे मंदिर हैं जिनमें तुम अपने कुल्ले टिका कर बैठे हुए हो। दुनिया को पैसा जेब से निकालना कोई तुम लोगों से सीखे, दुनिया से कहते हो कि त्याग करना सीखो और इतने भव्य मंदिर, इतनी लग्जरी धर्मशालाएं, संतशालाएं, ये सब तुम्हारे पास है क्यों? ये तो बात तुमने सत्य कही कि हम साधुओं के पास बड़ा पैसा है, हमने अपने मंदिर बनाए हैं, अपनी संतशालाएं बड़ी महंगी महंगी बनाई हैं, लेकिन तुम्हें मंदिर में लगने वाला पैसा दिख गया। भारत में कोई फिल्म आती है जिसमें एक स्त्री आधे वस्त्र पहनकर नृत्य करती है, एक नायक उसके साथ गलत हरकत करता है, उससे प्रेम करता है, वो फिल्म आकर तुम्हारी जेब से 1000 करोड़ निकाल कर ले जाती है, तब तुम्हारे मुंह में दही जम जाती है। मंदिर में 50 करोड़ क्या लगाए, तुम्हारी छाती पर सर्प लेट गया। एक नग्न स्त्री फिल्म में आई, वो तुमसे 1000 करोड़ निकाल कर ले गई, खुशी खुशी गए, वाह वाह वाह। तुम्हारा बेटा फिल्म देखकर आएगा तो उनके जैसी हरकतें करेगा, शराब पिएगा, बीड़ी पिएगा, बेटियों के पीछे घूमेगा, कुल मिलाकर जानवर बन कर आएगा। और यदि तेरा बेटा किसी मंदिर में जाएगा तो सच्चा श्रावक बन कर आएगा। ये बात ठीक है, ये बात सही है कि हाँ हम मंदिर को देख लेते हैं लेकिन इन फिल्मों को, इन राजनीतिक आयोजनों को नहीं देखते। इस बात को मैं आपकी बड़ी रखता हूं। लेकिन अब तुम्हारी बातों में आ जाते हैं, मंदिर में कौन है? मंदिर में भगवान है। किस चीज के बने हैं? वो पत्थर के बने हैं। यदि पत्थर ही पूजना है महाराज तो ये सड़कों पर, ये चौराहों पर, ये पर्वतों में इतना पत्थर है, यदि पत्थर को ही भगवान मानना है तो इन पत्थरों को क्यों नहीं पूज लेते? यदि पत्थर ही पूजना है तो उन्हें पूजो। ये मंदिर में 100-100 करोड़ रुपए लगाकर उस सुंदर प्रतिमा को बनवाकर दुनिया का पागल किस लिए बना रखा है? तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं कहो, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? आ गए ना अपनी असली बात पर, मुझसे पैसा मांग रहे हो रोटी पानी के लिए, ये लो। शिष्य, हाँ जी गुरुजी, पैसे लौटाओ। ठीक है, ये लीजिए, तुमने 100 का दिया था, हमने तुम्हें 1000 का दिया है। इसका मैं क्या करूं? गुरुजी बताएंगे, गुरुजी से संपर्क करेंगे। इसका मैं क्या करूं? इसे किसी दुकान पर लेकर जाओ और इसके बदले कोई वस्तु लेकर आओ। अरे महाराज मूर्ख हो गए क्या? अरे इस कागज के बदले मुझे कौन वस्तु देगा? अरे नोट किस चीज का है? वो कागज का ही है। उसके बदले वस्तु क्यों मिल जाती है? अरे क्योंकि वो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, हमारे गवर्नर के उस पे साइन होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक उसे अदा करने का वचन भी देता है। ठीक उसी तरह पत्थर की वो प्रतिमा पूजी जाती है जिस पर हमारे गवर्नर, जिस पर हमारी सरकार, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज सूरी मंत्र देकर उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। जिस तरह हर कागज के बदले वस्तु नहीं मिल जाती, उसी तरह हर पत्थर को पूजने से जिनेंद्र प्रभु नहीं मिल जाया करते। ठीक है, तुम्हारी इस बात को भी मैंने बड़ा कर दिया, लेकिन अब रिश्तों पर आ जाते हैं। तुम जानते हो तुम्हारी पीठ पीछे दुनिया क्या कहती है? दुनिया ये कहती है कि माँ बाप का पेट नहीं भर सकता कमाकर, इसलिए इन वस्त्रों को पहनकर साधु बन गया।
दुनिया यही कहती है कि अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला अपने वस्त्र उतार कर साधु बनता है या दो गज ये वस्त्र लपेट कर साधु बनता है। मेरे घर में मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है। अगर मैं तनिक भी बीमार हो जाऊं तो रात भर बैठकर मेरी पत्नी मेरी सेवा करती है। मेरा भाई मेरे हाथों जैसा है, मेरा बेटा मुझे भगवान कहता है। यदि तेरा परिवार तेरे दुख में तेरे साथ ना खड़ा हुआ, यदि ये सारे रिश्ते झूठे निकले तो बता तू क्या करेगा। हम संसार भर के साधुओं ने अपने परिवार को त्यागा है, उनका तिरस्कार किया है, तब जाकर साथ छोड़ दिया। तो मैं वचन देता हूं कि जीवन भर इन वस्त्रों को उतार कर यह वस्त्र पहनकर जीवन भर तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। और महाराज, यदि मेरा परिवार मेरे दुख में मेरे साथ रहा तो यदि तेरा परिवार तेरे दुख में तेरे साथ रहा तो मैं इन वस्त्रों को उतार कर साधारण वस्त्र पहनकर आजीवन तेरा नौकर बनकर रहूंगा। तू ये समझ जाएगा कि हम सन्यासियों ने अपने परिवार को किस लिए छोड़ा है। 3 दिन के बाद मैं तेरे घर लौटूंगा। वह सूर्य तेरे जीवन का एक श्रेष्ठ सूर्य होगा। मेरी बात ध्यान में सुन। अब जाओ। 3 दिन बाद तुझे पता लग जाएगा कि तेरा परिवार तुझसे कितना प्रेम करता है। चलो शिष्य, चलो। परिवार की परीक्षा लेनी चाहिए? क्या मुझे अपने पत्नी, अपने भाई और अपने बेटे की परीक्षा लेनी चाहिए? उस साधु ने कहा है कि ये स्वार्थ के रिश्ते हैं। वो कहता था कि पत्नी, भाई या बेटे का सारे रिश्ते झूठे होते हैं, ये रिश्ते पैसे के होते हैं। क्या मुझे उन सब की परीक्षा लेनी चाहिए? नहीं नहीं, मेरा परिवार मुझसे प्रेम करता है। वो रहा चलता साधु कुछ भी बोलेगा, मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। बाबूजी, भैया, भैया, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। भैया, क्या हुआ तुम्हें? वो मुझसे कहते हैं कि तुम लोग मुझसे प्रेम नहीं करते। मेरे बेटे, तू तो मुझे भगवान कहता था ना। हाँ बाबू जी, अपनी माँ को कभी दुख मत देना। वो झूठ कहता है, तुम सब मुझसे प्यार करते हो, सब मुझे चाहते हो, सब मुझे चाहते हो, सब मुझे चाहते हो। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, क्या हो गया आपको? भैया, भैया, बाबूजी, आप अपनी आंखें खोलिए बाबूजी, मुझे देखिए बाबूजी। आप इस तरह में छोड़कर नहीं जा सकते, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, नहीं जी सकती मैं आपके बिना, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अनोक निरंजन, यदि कोई है
और हमारी सुनता हो तो हम साधुओं को कुछ खाने के लिए रोटी दो। महाराज, आज मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, आप तो साधु हो। कहते हैं साधु भगवान से बात कर लेता है। मेरे पिताजी को लौटा लाइए ना, अपने भगवान से कहकर लौटा लाइए ना, मैं उनके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। बेटे, इस संसार में जो आया है उसका जाना अवश्य है, घर में कौन है? मेरे चाचा और मेरी माँ है। अपनी माँ को मेरे पास भेजो। माँ, माँ साधु आए हैं, बचा ले बाबूजी को, बचा ले माँ। जी महाराज। क्या हुआ बेटी? मैं जीना नहीं चाहती, वो मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती। बेटी, तुम्हारे आंसू देखकर ये बात कह रहा हूं। मैंने 12 वर्षों तक तपस्या की है और एक ऐसी औषधि प्राप्त की है जिससे मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो उठता है। क्या ऐसी औषधि सच में है? हाँ, लेना चाहोगे? हाँ, उसके बदले में मैं कुछ भी दे सकती हूँ, जितना धन दौलत जो कुछ चाहिए आप ले जा सकते हो। तो ठीक है, ये लो। लेकिन बेटी, हाँ, इधर आओ। इस औषधि का एक विशेष गुण है। क्या? इस औषधि को जो पीता है वह मर जाता है, जो मरा हुआ है वह जीवित होता है। क्या हुआ? अरे, मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे सती होना पड़े। लेकिन अभी तो फूट फूट कर कह रही थी कि तुम मुझे अपने साथ ले जाते, मैं आपके बिना जी नहीं सकती। आपको नहीं पता महाराज, जब पति मरता है ना तो ऐसे ही डायलॉग बोलने पड़ते हैं। तो उनके बिना जीकर क्या करोगे? आनंद तो अभी आएगा पति के मरने के बाद जीने में। वो कैसे? अपने देवर का विवाह करूंगी, फिर अपने बेटे का विवाह करूंगी, उनके पोत पोतियों के साथ खेलूंगी। लेकिन पति नहीं चाहिए? अरे, अब तो बस अच्छा ही है, अब नहीं तो 2-4 साल बाद मरने थे। लेकिन तुम रो क्यों रही थी? रो मैं इसलिए रही हूँ, सारी प्रॉपर्टी के कागज अपनी बहन के नाम कर रखे हैं। जाते जाते हमें दुखी देकर गया। लेकिन तुम तो उसे बड़ा मानती थी। तो पति को माने नहीं क्या, और के पड़ोसी को माने? घर में और कौन है? मेरा बेटा है और मेरे देवर हैं। हो सकता हो तुम्हारे देवर को भाई की जरूरत हो। हाँ, हो सकता है, देवर निपट भी जाए तो भी चलेगा, बहुत खाता है। तो जाओ, देवर को लेकर आओ। भैया, राजू भैया, इन्हें रोना बंद करो, और महाराज शहद दे रहे हैं, वो चाट लो जाकर। जी महाराज। क्या नाम है तुम्हारा? राजकुमार। अपने भाई से कितना प्रेम करते हो? मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ,
कुछ भी कर सकता हूँ। ये कुछ भी आसमान में क्यों कर रहे हो, धरती पे कर लो बेटे। कितना प्रेम करते हो? बहुत प्रेम करता हूँ। प्रेम भी आसमान में करोगे? बहुत, इतना भी हो सकता है। क्या कर सकते हो उनके लिए? मैं अपनी जान दे दूंगा। जान सही जगह दी है, तो ये लो औषधि और जीवित कर लो अपने भाई को। लेकिन सुनो जी, आसमान में हाथ कभी मत करना। जी जी, इस औषधि का एक विशेष गुण है कि इसे पियोगे मर जाओगे, और आपके मरते ही अरे कोरोना वायरस बेचने वाले साधु, तेरे वायरस से दुनिया परेशान हो गई साधु। तुम मुझे ऐसे लगते हो चाइना के भेजे हुए साधु हो। अरे ये औषधि है। अरे ये वायरस है। अरे इसे पिएगा तेरा भाई बच जाएगा। अरे इस वायरस के चक्कर में जाने कितने निपट गए चाइनीज साधु। घर में और कौन है? मेरा एक छोटा, क्या बोलूं, भतीजा है। उसे भेज कर देख लो, हो सकता उसे पिता की जरूरत हो। ठीक है, आंसू भी सुखा दिए तुम्हारे इस वायरस में। आंसू लाऊं थोड़े? हे ऊपर वाले, मुझे आंसू दे। आ सचिन, ओ सचिन, जा बचा ले भैया को, बचा ले। महाराज मोमोज खिला रहे हैं, खा ले जा। भाभी हाँ, जब ये चाहिए ही नहीं मोटा तो मुझे क्यों भेजा? उसने हाथ में दे दिया था लोटा। जी महाराज, कितना प्रेम करते हो अपने पिता से? बहुत प्रेम करता हूँ। जान दे दोगे? दो बार दे दूंगा। तो ठीक है, ये लो हाथ में अपने औषधि। इस औषधि का एक विशेष गुण है। क्या? इसे जो पिएगा वह मर जाएगा, और जो मरा हुआ है जीवित हो जाएगा। क्या हुआ? अरे मुझे ऐसा पिता नहीं चाहिए कि जिसके मरने पर दुनिया मुझे ढूंढती फिरे, मेरा पता ढूंढती फिरे। लेकिन तुम तो रो रहे थे। अरे जब पिता मरा है तो और क्या नाचे। मेरी माँ ने क्या कहा? तुम्हारी माँ कहती है उन्हें पति नहीं चाहिए। तो जब माँ को पति नहीं चाहिए तो पिताजी को जीवित करके चटनी बनाऊंगा क्या उनकी? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगा और इस कोरोना की वैक्सीन बनाऊंगा। वाह बेटे वाह, जिस कोरोना की वजह से पास हो रहा है उसके साथ गद्दारी करेगा? अबे कोरोना की वजह से पास हो रहे हो तुम, उसकी वैक्सीन ढूंढने चल दिए। चाचा, अरे ये मर गए तो मर गए, लेकिन बुआ जी के नाम ये कागजात क्यों करके गए थे? अरे मेरे मन में एक विचार आता है, तुम दोनों अगर मेरी बात सुनो तो। हाँ हाँ सुनाओ। हाँ हाँ भाभी, बोलो बोलो, क्या करना है मुझे? वो जो खड़ा है ना, ये औषधि उसे पिला देते हैं। महाराज हाँ, इधर आओ। आहा, ना इसे उधर करो। जा उधर जा। ना मेरे पास आओ, आपको जितना धन चाहिए उतना धन दे देंगे। ये ना मरने से पहले कागज उनके नाम कर गए, बच्चों की बुआ जी के। तो ये औषधि अपने चेले को पिला दो ना। अरे वो चेला है मेरा। भारत बेरोजगार इतना हो चुका है, ऐसे ऐसे चेले एक ढूंढोगे आधा दर्जन मिल जाएंगे तुम्हें। अरे वो चेला है मेरा। ना क्या हुआ? मुझे ये वायरस पिला के मारोगे? नहीं।
अरे तूने मुझे गुरु कहा है। यही तो गलती की है जीवन की, एक गुरु बनाने के बदले जहर पिला रहे हो। जब कहा मैंने खड़ताल बजाई, जब कहा मैंने धुनी रमाई, और तुमने इस औरत के कहने से ये औषधि मुझे पिलाई। नहीं, जो भी तुम्हें धन मिले वो धन लेकर आश्रम की ओर जाना। मर के मैं धन कैसे ले जाऊंगा? अरे इस औषधि को मैं पी रहा हूं। लो। देखो ये सेठ जी जीवित हो जाएंगे उसके बाद मेरे शिष्य को धन दे देना। हाँ हाँ, आप जितना कहोगे उतना मिल जाएगा, ये उठाएगा भी नहीं, इतना दे देंगे हम तुझे। हाँ तो ठीक है, ये औषधि मैं पी रहा हूं। ऐसा हो सारे मर जाऊं पैर, कभी ऐसा हो सारे मर जाऊं पैर ना मरे चाटो, एक एक कौन एक एक उंगली मरनी चाहिए। महाराज। हाँ मरो। अरे मरेंगे, थोड़ा कुछ सोच रहे हैं। वो तो मरने के बाद भी सोच लेना। अरे मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरे मरने के बाद हम सब कुछ देख लेंगे, बस तुम मर जाओ। मुझे चलने दो। अच्छा चल के मरोगे महाराज? हाँ मरो। लेखो मैं जो दिखाना चाहता हूं दिखाकर ही रहूंगा। ठीक है दिखाओ। अरे बाबूजी, भैया, अरे जीवित हो गए, अरे बच गए, अरे जीवित हो गए, ले साधु जी की कृपा से जीवित हो गए। अरे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, तुम सब तुम मेरे अपने नहीं हो। मैंने इन साधु से कहा कि मेरा परिवार मुझसे बड़ा प्रेम करता है, मेरी पत्नी मेरी दशा को जानती है, मेरा बेटा मुझे भगवान कहता है, मेरा भाई हमेशा मेरे साथ रहता है, लेकिन तुम मेरे अपने नहीं निकले। तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी ना आए मैं हमेशा पैसे निकालता रहा, पैसे बचाता रहा। तुम जानते हो तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे पैसे में कोई कमी ना आए इसलिए कभी किसी मंदिर में बोली नहीं ली मैंने, कभी किसी पंचकल्याणक में बोली नहीं ली मैंने। आज समझ आ गया कि ये रिश्ते पैसे के हैं, ये रिश्ते धन दौलत के हैं। अगर इतनी दौलत तुम्हारे ऊपर ना लगाकर मंदिरों में लगाई होती तो आज ये धन की जगह धर्म कमा लिया होता। याद आ रही आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की वह बात, जब उन्होंने कहा था किस किस को घर से निकालोगे, किस किस को घर से भगाओगे, उत्तम मार्ग यही है स्वयं घर छोड़कर निकल जाओ। ये संसार के झूठे रिश्ते हैं, ये झूठे नाते हैं। जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं। पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं। बच्ची बोले आदिनाथ भगवान की।